गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना ब्लीड ऑफ सर्किट नेक्स्ट सर्किट जो है अपना ब्लीड ऑफ सर्किट फॉर हाइड्रोलिक, इसके लिए हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टेप नंबर फर्स्ट। दिस इज आवर स्टेप नंबर फर्स्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पावर पैक। इसको हम पावर पैक भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे आपको पता है कि फोर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला होता है पंप, मोटर, रिजर्वायर एंड फिल्टर। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट अपने स्टेप नंबर फर्स्ट में आते हैं। सेकंड नंबर स्टेप में आता है अपना डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। दिस इज सोलेनोइड ऑपरेटेड 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। और थर्ड स्टेप में आता है अपना एक्चुएटर। जैसे कि हमने मीटर इन मीटर आउट सर्किट में देखा था, वैसे ही अपना एक लास्ट स्पीड कंट्रोल सर्किट है, उसको बोलते हैं ब्लीड ऑफ सर्किट। तो सी अभी हम इसका फंक्शन देखते हैं कि इसका फंक्शन कैसे होने वाला है ब्लीड ऑफ सर्किट का। सबसे पहले हम पंप को स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोटर। पंप स्टार्ट होगा, पंप ने यहाँ से रिजर्वायर से ऑयल को पंपिंग करना स्टार्ट किया। जितना रिक्वायर्ड प्रेशर है सिस्टम को, उतना ही प्रेशर उसके अंदर जाएगा। अगर उसके अंदर ऑयल का प्रेशर ज्यादा है, एक्सेस प्रेशर है, तो यहाँ पे हमने पीआरवी वॉल्व लगाया है। दैट इज पीआरवी वॉल्व मीन्स क्या, प्रेशर रिलीफ वॉल्व। प्रेशर रिलीफ वॉल्व से क्या होता है कि इसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर रिमूव हो जाता है और वो डायरेक्टली रिजर्वायर में चले जाता है। ठीक है, बाद में जो अपना कंट्रोल प्रेशर है वो कंट्रोल प्रेशर यहाँ पे आता है। दिस इज अवर 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व सोलेनाइड ऑपरेटेड। तो इसके अंदर पहला जो कनेक्शन है नॉर्मल पोजीशन का, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे पी पोर्ट है, यहाँ पे ए पोर्ट है। पी पोर्ट से ए पोर्ट की तरफ ऑयल जाता है और वो ऑयल पहले आता है फ्लो कंट्रोल वॉल्व में। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन लगाई गई हुई है इन लाइन को। तो यहाँ पे हम किसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक जो है, फॉरवर्ड स्ट्रोक का हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो कंट्रोल वॉल्व से। तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल्व हमने डायरेक्टली मेन लाइन को नहीं लगाया है, यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन लगाई है और पैरेलल लाइन को हमने ये फ्लो कंट्रोल वॉल्व लगाया है। और इस फ्लो कंट्रोल वॉल्व से क्या होता है कि हम इसके अंदर का जो फ्लो है वो फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। ऑयल का क्वांटिटी हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे और एक्सेस क्वांटिटी जो है, क्योंकि देखो यहाँ से भी हमने सिस्टम का प्रेशर कंट्रोल किया था। सिस्टम का प्रेशर सपोज आपका 5 bar है, 5 bar प्रेशर से यहाँ पे आया, लेकिन हमको स्पीड इसका कंट्रोल करना है, स्पीड इसका कम करना है और हमको 3 bar से ही प्रेशर आगे भेजना है। तो 2 bar का हम क्या करेंगे, प्रेशर यहाँ से रिलीज कर देंगे और रिलीज करने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ पे चले जाएगा, रिजर्वायर में चले जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ से क्या कर सकते कि इसका जो फॉरवर्ड मोशन है, फॉरवर्ड मोशन हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो कंट्रोल वॉल। और यहाँ पे ये मेन लाइन को नहीं लगाते, ये कहाँ पे लगाते हैं, पैरेलल लाइन को इसको लगाया जाता है। तो इसको बोलते हैं ब्लीड ऑफ सर्किट। ठीक है, एट द सेम टाइम जब ये फॉरवर्ड स्ट्रोक जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट जो यहाँ पे ऑयल है, वो ऑयल क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस रिटर्न लाइन वो ऑयल थ्रू द फिल्टर वो डायरेक्टली रिजर्वायर में आएगा। सो ये अपना हो गया अपना ये फॉरवर्ड स्ट्रोक। रिवर्स स्ट्रोक में क्या होगा, रिवर्स स्ट्रोक में ये पूरा जो असेंबली है सेकंड पोजीशन में, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ से अपना ऑयल फ्लो स्टार्ट होगा और इस रॉड एंड की तरफ ऑयल जाएगा। एंड दैट रॉड एंड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक इज अ नॉट कंट्रोल्ड स्ट्रोक, उसका हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्पीड किसका कंट्रोल कर सकते हैं, जो फॉरवर्ड स्ट्रोक लगाए हम उसका ही स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अवर ब्लीड ऑफ सर्किट, गेट इट।